तो ये लीजिए हमारा गरम गरम मलाई मटन कबाब बनके बिल्कुल तैयार है, और आप देख सकते हो कितनी अच्छी हमारी ग्रेवी बनी है, एकदम मलाईदार और खाने में बहुत ही अच्छे टेस्ट आने वाला। आप इन्हें रोटी के साथ, पराठों के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज के साथ सर्व करोगे तो बहुत ही लाजवाब बनके तैयार हुआ, टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। आप इन्हें कभी भी बना सकते हो और इंजॉय कर सकते हो बना के, और देखिए कितने ही देखने में अच्छे लग रहे हैं ना, बिल्कुल जैसे हम रेस्टोरेंट से ऑर्डर कराए, रेस्टोरेंट से लेके आए, कोई बोल नहीं सकता कि आपने घर में बनाए। तो बनके हमारे गर्मा गर्म बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब, मेरे चैनल रंजना किचन की में आपका स्वागत है। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बनाना स्टार्ट करते हैं अपना मटन मलाई कबाब। मलाई कबाब बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम मटन कीमा लेंगे। ये मैंने 250 ग्राम कीमा लिया है। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ मैंने बिल्कुल बारीक प्याज चॉप किए हैं, तो बिल्कुल बारीक प्याज डालेंगे। और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे आधा चम्मच, और यहाँ मैंने दो हरी मिर्च ली है कटी हुई, वो डालेंगे। आप तीखा अपने स्वाद अनुसार भी कर सकते हो। यहाँ पर हम हरा धनिया डालेंगे। तो यहाँ पर हमने सारी चीजें डाल दी है। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लिया, तो इसे हम आधी कटोरी डालेंगे, ये छोटी आधी कटोरी है, इसे डालना है। तो इसमें हम कुछ मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले हम नमक लेंगे स्वाद अनुसार, और स्वाद अनुसार हमने नमक ले लिया। और आधी चम्मच हम लेंगे काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच से भी कम हम लेंगे सफेद मिर्च, काफी अच्छा टेस्ट आता है। और आधा चम्मच लेंगे हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, और आधा चम्मच लेंगे यहाँ पर हम गरम मसाला, आधा चम्मच जीरा लेंगे, ये कच्चा जीरा है। तो ये हमने सारी चीज डाल दी है। तो इसमें हम एक चम्मच घी डालेंगे, तो क्योंकि घी से काफी अच्छा टेस्ट आता है, तो इससे क्या होगा हमारे जूसी बनेंगे कबाब, एकदम बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर हमने आधा चम्मच देसी घी डाल दिया है, आप बटर भी डाल सकते हो। और सबसे मेन चीज है यहाँ पर हमने मलाई कबाब मसाला लिया है, एक चम्मच हम वो डालेंगे। तो सारी चीजों को हम मिक्स कर देते हैं हाथों से। तो मटन में सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं, तो इसे हम 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं, इतने हम अपनी ग्रेवी बनाते हैं। तो यहाँ पर हम एक चम्मच घी लेंगे, मैंने छोटा एक चम्मच लिया, ज्यादा नहीं लेना है, तो इसे हम मेल्ट होने देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम प्याज लेंगे, तो यहाँ पर मैंने एक छोटी प्याज लिया, तो हल्का हल्का हम इसे भून लेते हैं, हमें इसे ज्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ इसे हल्का हल्का भूनना है, कि कभी आप इसका कलर चेंज कर दो, हमें इसे व्हाइट ही रखना है। तो हल्का हल्का इसे भून लेते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे प्याज भून चुकी है, तो यहाँ पर हम काजू लेंगे। तो मैंने काजू लिए 10-12, और यहाँ पर मगज लिए, क्या होता है इनसे ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है, एकदम क्रीमी। तो इन्हें भी हम मिक्स कर देते हैं इसमें, हल्का हल्का इन्हें भी रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पानी लेंगे, आधा गिलास पानी डालेंगे, और इन्हें 5 मिनट के लिए उबलने देते हैं पानी में। तो यहाँ पर हमारे प्याज और जो हमने ड्राई फ्रूट डाले थे वो सॉफ्ट हो चुके हैं, तो गैस में बंद कर देती हूँ, और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो हमारा ये ठंडा हो चुका है, तो इसको हम मिक्सी के जाल में डालेंगे, और बिल्कुल बारीक करके इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट बना के तैयार करना है। तो सारे को हम डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पेस्ट बिल्कुल बनके तैयार है, और आप देख सकते हो कितना ही स्मूथ एकदम मलाईदार बना है। तो इसकी हम ग्रेवी बनाते हैं। यहाँ पर हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे, तो इसे हम गर्म होने देते हैं। यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, इसे भी हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर इसे अच्छे से हम भून लेते हैं। तो यहाँ पर अदरक लहसुन बिल्कुल भून चुके हैं, और यहाँ पर जो हमने पेस्ट बनाया था वो डालेंगे। तो सारा पेस्ट इसमें हम डाल देते हैं, और जब भी कबाब बनके तैयार होंगे बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और इसे हम मिक्स कर देते हैं, एकदम मलाईदार, और सर्दी का टाइम है, खाने में बहुत ही मजा आता है। तो अच्छे से इसे हम मसाले को भूनने देते हैं। तो यहाँ पर हमारा मसाला बिल्कुल भून चुका है, तो यहाँ पर हम आधा चम्मच दही का यूज करेंगे, ये फटी हुई दही है, अच्छे से इसे फैट लेना, और इसे हम डाल देते हैं। क्या होता है दही से भी काफी अच्छा टेस्ट आता है, और दही को भी हम मिक्स कर देते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर हमारी दही मिक्स हो चुकी है। यहाँ पर मैंने घर की मलाई ली है, आप क्रीम भी डाल सकते हो। यहाँ पर 2 चम्मच मलाई डाल रही हूँ मैं, और इसे मिक्स कर देते हैं। क्या होता है यहाँ पर हम मलाई कबाब बना रहे हैं, तो बहुत ही क्रीमी एकदम मलाईदार ग्रेवी हमें बनाकर तैयार करनी है, जिससे टेस्ट भी हमारा एकदम मलाईदार आए। और इसे भी हम मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से 5 मिनट के लिए पकने देते हैं ग्रेवी को। तो यहाँ पर बिल्कुल मसाला हमारा भून चुका है, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी आधी चम्मच से कम पीली मिर्च डालूंगी टेस्ट के अनुसार, जिससे हल्का सा तीखा लगे, और यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक।
तो इन्हें भी हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और यहाँ पर मैं आधा कटोरी दूध डालूंगी। दूध से क्या होगा, बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनके तैयार होती है, एकदम क्रीमी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया और थोड़ा सा हम डालेंगे यहाँ पर पानी। तो सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ग्रेवी को इतने पकती है हमारी ग्रेवी, इतने हम अपने कबाब बनाने स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेवी को हम बिल्कुल धीमी आंच पे पकने देते हैं और अपने कबाब बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा मटन मैरिनेट हो चुका है, तो हाथ में हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और कबाब बनाने स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम लेंगे, आप छोटे बड़े कोई भी साइज बना सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा छोटा बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने एक स्टिक लिया, आप बिना स्टिक के भी बना सकते हो। तो हम ज्यादा बड़े कबाब नहीं बना रहे, मैं छोटे साइज में ही बनाऊंगी। तो स्टिक में अपने कबाब को हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़े बीच में लगाएंगे और छोटा छोटा ही साइज बनाएंगे, आप छोटा बड़ा जो भी मन चाह शेप दे सकते हो। तो यहाँ पर हम बिल्कुल बीच में इन्हें लगा देते हैं। तो हमें इस तरह से कबाब बनाने छोटे छोटे। यहाँ पर हमारे सारे कबाब बनके तैयार हैं, आप देख सकते हो। इन्हें हम फ्राई करते हैं। तो पैन में हम ऑयल डाल देते हैं, और क्योंकि हमें इसे डीप फ्राई करना है कबाब को, इसलिए हमें ज्यादा चाहिएगा। और इसे हल्का सा हम गर्म होने देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और अपने कबाब हम एक एक करके फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। और जब ये कबाब बनके तैयार होंगे बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और आप इन्हें चिकन के बना सकते हो। अगर आपको मटन के नहीं खाने तो आप चिकन के भी बना सकते हो, चिकन के भी काफी अच्छे लगेंगे और मटन से ज्यादा ही टेस्टी आता है। तो इसलिए जिन लोगों को मटन पसंद है मटन के बनाइए, जिन्हें चिकन पसंद है वो चिकन के बनाइए। तो इन्हें हम फ्राई होने देते हैं, बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देंगे हम, जिससे कि बिल्कुल अंदर तक हमारे कबाब फ्राई हो। तो यहाँ पर हमारे कबाब बनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, तो इन्हें हम पलट के देखते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, हल्के हल्के इन्हें हम पलट देते हैं। तो पहले से थोड़ा कलर आ चुका है कबाब में, तो हल्के हल्के हम सारे को पलट देते हैं। और जब ये कबाब बनके तैयार होंगे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आपने कबाब तो बहुत खाए होंगे, लेकिन मलाई मटन कबाब की तो बात ही अलग है। और सर्दी का टाइम है, सर्दी का टाइम है, आप फैमिली के साथ बना के इन्हें गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए, मजा आ जाने वाला है। तो इन्हें हम फ्राई होने देते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। तो फ्रेंड्स, हमारे कबाब बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं और बिल्कुल हमें गोल्डन ब्राउन ही कलर चाहिए था। बिल्कुल आप देख सकते हो पास से भी कितना ही प्यारा कलर आया, और आप स्नैक्स में भी इन्हें खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और नींबू और ग्रीन चटनी के साथ तो मजा आ जाने वाला है। तो अभी ना हम निकाल लेते हैं, पहले हम झरने में निकालेंगे, जिससे कि बिल्कुल हमारा ऑयल निकल जाए, बिल्कुल भी कबाब में ऑयल ना रहे। तो इन्हें हम सारे को निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारे कबाब कितने ही बढ़िया बनके तैयार हुए हैं, और आप देख सकते हो कलर भी कितना प्यारा आ रहा। और जो हमारे बच्चे उन्हें भी हम फ्राई कर लेते हैं, और सारे हम इसमें लगा देते हैं जो हमारे बच्चे। और 2 मैंने बिना स्टिक के भी डाल रही हूँ, इन्हें भी हम फ्राई करेंगे। आपके पास अगर स्टिक नहीं है तो बिना स्टिक के भी आप कबाब बना सकते हो, और कबाब बिल्कुल लाजवाब बनके तैयार होने वाले हैं। तो इन्हें भी हम बिल्कुल गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेते हैं। तो ये भी हमारे कबाब बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, और इनको भी हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पर हमारे सारे कबाब फ्राई हो चुके हैं, और इनकी अब हम स्टिक निकाल देते हैं, क्योंकि स्टिक की अब हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्रेवी में डालेंगे। तो हम स्टिक निकाल देते हैं। देखो कितनी आसानी से स्टिक निकल रही है, बस आप ऐसे करिए और देख सकते हो कितनी आसानी से स्टिक निकल चुकी है। और जब इसके अंदर हमारा ग्रेवी का फ्लेवर जाएगा बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो सबकी हम कबाब की सारी स्टिक निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, सारी स्टिक हमने कबाब में से निकाल ली है, आप देख सकते हो। तो इन्हें हम जो हमारी ग्रेवी बन रही है उसमें डाल देते हैं, ग्रेवी में, क्योंकि हम ग्रेवी वाले बना रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, और ग्रेवी हमारी बिल्कुल बनके तैयार है। आप देख सकते हो कितनी ही क्रीमी हमारी ग्रेवी बनके तैयार हुई है, क्योंकि मलाई कबाब है, बिल्कुल मलाई की तरह हमारी ग्रेवी बन चुकी है और जो हमने फ्राई किए हैं। तो अपने कबाब को हम सारे डाल देते हैं ग्रेवी के अंदर। आप चाहो तो ग्रेवी थोड़ी लूज भी रख सकते हो, ग्रेवी वाले बना सकते हो, लेकिन मैं ड्राई बना रही हूँ। तो इन्हें हम 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए इसमें पकाते हैं ग्रेवी में, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। मलाई कबाब आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आप ऐसे बना के देखना, बहुत ही अच्छे बनके तैयार होंगे, एकदम लाजवाब। तो इसे हम 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने कबाब हम चेक करते हैं, और 5 मिनट हो चुके हैं, और देखिए वाओ कितनी अच्छी ग्रेवी बनके तैयार हुआ है, और कबाब भी हमारे बहुत ही अच्छे बने हैं। आप देख सकते हो एकदम क्रीमी क्रीमी ग्रेवी के साथ कबाब में टेस्ट आ जाने वाला है, बहुत ही अच्छा। और आप इन्हें कैसे भी स्नैक्स में भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो इनकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक प्लेट ले लेते हैं, और अपने जो हमने कबाब बनाए इस प्लेट में सर्व करेंगे। और देख सकते हैं आप कितने ही प्यारे लग रहे हैं, देखने में लाजवाब बनके तैयार हुए हैं, और एकदम हमने ड्राई ग्रेवी के साथ बनाए हैं। आप इन्हें स्नैक्स में भी खा सकते हो, और टेस्ट इनका इतना बढ़िया आने वाला है कि आप मार्केट का, रेस्टोरेंट का भूल जाने वाले हो। और बहुत ही आसानी से ये घर में मटन कबाब बना सकते हो, एकदम मलाईदार।
और देखे कितने ही बड़े लग रहे हैं। लुक भी आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा आ रहा, और खाने में तो लाजवाब। जैसे सर्दी का टाइम है तो गरम गरम आप इन्हें सर्व कीजिए, बड़े और बच्चों सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी गार्निश करेंगे, तो हल्का हल्का मैं रोगन डालूंगी, इससे क्या होगा लुक बहुत बढ़ जाएगा। अगर आप चाहे डाल सकते हो, नहीं तो हम लुक के लिए डाल रहे हैं। और हल्का सा हम यहाँ पर हरा धनिया डालेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे मलाई कबाब मटन के बनके बिल्कुल तैयार हैं, और लुक भी आप देख सकते हो कितना ही प्यारा आ रहा है, और खाने में तो बहुत ही लाजवाब है। आप इन्हें स्नैक्स में भी खा सकते हो, और कोई गेस्ट आए उसके लिए भी बना सकते हैं। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया, और ऐसे बना के आप फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए गर्मा गर्म।